या बातमीचे प्रायोजक आहेत SM एंटरप्राइजेस। सर्व प्रकारचे फिलिप्स कंपनीचे इंटीरियर आणि एक्सटेरियर लाइट्स मिळण्याचे सोलापुरातील एकमेव ठिकाण हॉटेल बालाजी सर्वर समोर आसरा चौक सोलापूर। सध्या आपण सोलापूरच्या सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कांदा सेल आवारामध्ये आहोत। माझ्या हातामध्ये जो दिसतोय तो कांदा आहे आणि सध्या सोलापूरच्या सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे। मागील काही महिन्यात कांद्याने मोठा वांदा केला होता, कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते। यंदा मात्र पुरेशा प्रमाणात पाऊस न झाल्याने शेतकरी साठवणीतील मोठ्या प्रमाणातील कांदा या बाजार समितीत आणत आहे, त्यामुळे कांद्याला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढलेली आहे आणि जो जुना कांदा आहे तो मोठ्या प्रमाणात येत आहे। नवीन कांदा आहे त्याचा जो प्रमाण आहे ते फार कमी आहे, त्यामुळे शेतकरी एकंदरीत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कांदा येत आहे। कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यापारी असेल शेतकरी असेल यांच्याकडून मिळत आहे। मागील काही दिवसात कांद्याचे दर फार मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते, मात्र यंदा कांद्याला चांगले दर मिळत असल्याचे एकंदरीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील हे चित्र पाहिल्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। येत्या काही दिवसात कांद्याचे दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांमधून होत आहे। सोलापूरचा जो कांदा सेल आहे किंवा सोलापूरची जी बाजारपेठ आहे त्या बाजारपेठेमधील या कांद्याला फार मोठ्या प्रमाणात मागणी असते। पश्चिम बंगाल असेल, आंध्र असेल, तमिळनाडू असेल, कर्नाटक असेल, या मोठमोठ्या राज्यांमध्ये सोलापूर शहरातून मोठ्या प्रमाणात कांदा जातो। कांद्याला मोठी डिमांड असते आणि एक मोठी बाजारपेठ म्हणून कांद्याची मोठी बाजारपेठ म्हणून सोलापूर उदयास येत आहे। सध्या हे चित्र जर तुम्ही पाहिला तर कांद्याला एक चांगला भाव या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मिळत आहे आणि त्याचे दर देखील चांगलेच वाढल्याचे एकंदरीत पाहायला मिळत आहे। सोलापूर के मार्केट यार्ड में प्याज की क्या स्थिति है, कितना गाड़ी आवक हुआ है, क्या भाव है? दादा बोलो वीडियो करें। आज की आमदनी जो है जुना कांदा जो है, आज जुने कांदे की आमदनी है लगभग 150 से 250 गाड़ी जुना कांदा है, उसमें 75 गाड़ी नया है जो कर्नाटक से आया हुआ है माल है। तो जुना कांदा उसकी आवक जो कम होने की वजह से मार्केट में थोड़ी तेज़ी है, नीचे 2500 रुपये से लेकर ऊपर 3500 रुपये तक बिक रहा है जुना कांदा। और जो नया कांदा है वो नीचे 2500 रुपये से लेकर ऊपर 3700 रुपये तक बिक रहा है। तो नवा कांदे को डिमांड है और जो नवा कांदा है वो कर्नाटक का कांदा है। और अभी फिलवक्त को जो नया कांदा महाराष्ट्र में तो अवेलेबल नहीं है, कर्नाटक का कांदा वो 2 महीने चलेगा। क्या वजह है महाराष्ट्र में जो नया प्याज की फसल नहीं आई, बरसात कारण है? बरसात का कारण है, बरसात जो 3 महीने का जो नया महाराष्ट्र का जो कांदा आने वाला जो था वो बारिश की वजह से है ना आ नहीं सक रहा हूँ, अभी वो लेट होगा। ये जुना कांदा 4 महीने का है क्या? ये जो जुना कांदा ये लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं, ये जो स्टॉक किया हुआ कांदा, ये भी अभी इसकी क्वालिटी खत्म होती आ रही है और इसका भी आमदनी खत्म हो रहा, किसान पास एंडिंग को आया भी है माल, शेतकरी को 4 पैसे मिल रहे हैं। अब जाकर किसान को अभी तक का जो माल था वो आधा तो उनका नुकसान हो गया जो खराब होने की वजह से, अब जो 3500 रुपये जो दर जो अच्छा माल बचा हुआ है उसको थोड़ा पैसे हो रहे हैं किसान। नवंबर दिसंबर में क्या पोजीशन रहेगी प्याज को लेकर? नवंबर दिसंबर में कभी आमदनी कम रहा तो और बढ़ने के चांस है। मेरा नाम रफीक भगवान, किस्मत ट्रेडर्स। क्या पोजीशन है प्याज की, आवक कितने? आवक 275 गाड़ी आवक है। क्या भाव है? जुना माल 3000 रुपये से 4100 रुपये तक और नवा माल 2500 से 3500 रुपये तक। जुना माल को अच्छा भाव मिल रहा है, क्या वजह है? तो अभी फिलहाल पोजीशन में जुना माल चलता बोलकर अच्छा भाव मिल रहा, जो लोग अकेले शेतकरी वो शेतकरी का माल अच्छे भाव में बिक रहा। नया माल क्यों नहीं आया मार्केट में ज़्यादा? बारिश कम रहने की वजह से। सोलापुर में कहाँ से आता है माल? कर्नाटक से माल आ रहा है। जाता है कहाँ से? यहाँ से तमिलनाडु और कर्नाटक, आंध्र। यहाँ जाता है? बॉर्डर पर भी? बॉर्डर पर अभी नहीं जा रहा। और आने वाले दिनों में क्या पोजीशन रहेगी प्याज? अच्छी रहेंगी मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तेखार तुलजापुरे है। मार्केट के अंदर आज आवक 225 गाड़ी है और उसमें से नई माल 75 गाड़ी है। तो मार्केट के अंदर ना जूने माल का रेट कम है ना नई माल का रेट कम है, नीचे में 2000 से लेकर ऊपर में 4000 तक नवा माल बिक रहा है और जूना माल नीचे में 1500-1800 रुपये से लेकर 3000-3500 रुपये तक जूना माल बिक रहा है।
माल बारिश की बारिश कम आने की वजह से माल भी कम है, इसलिए माल को डिमांड है। इंशाल्लाह नवंबर और दिसंबर के अंदर तक ये माल का यही रेट रहेगा, क्योंकि नया माल भी जो है ना बहुत महंगा बिक रहा है, जूने से महंगा नया माल बिक रहा है। और मार्केट के अंदर जो है ना ग्राहक को इसकी ज़्यादा ये है, डिमांड ज़्यादा है, उसको माल को डिमांड ज़्यादा है। जूना माल कहाँ से आता है? ये जूना माल जो है ना नगर सट से आता है पूरा, जो शेतकरी जो है ना किसान 6 महीने 5 महीने तक जो है ना ये माल खेत के अंदर रखता है। हाँ, कांदा छाड़मे का माल है जूना वाला, और नया माल जो है ना कर्नाटक से आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बरसात नहीं हुई इसलिए भी शॉर्टेज है? हाँ, इसलिए खास शॉर्टेज है माल की, नहीं तो दिसंबर के अंदर सीजन चालू होता था नए माल का। अब माल जो है ना 1 महीना लेट हो गया बारिश न पड़ने की वजह से। यहाँ कहाँ कहाँ से आता है माल प्याज? यहाँ देखो कर्नाटक से आती है माल, महाराष्ट्र से आता है, नगरसट से आता है। और जाता कहाँ से? यहाँ से माल जाता देखो बॉर्डर को जाता, बांग्लादेश बॉर्डर को जाता है, कलकत्ता जाता है, ज़्यादा माल आंध्र को जाता है, हैदराबाद, वरंगल, उंगला, तमिलनाडु, और तुम्हारा इसको भी जाता है यहाँ से माल, जालेश्वर को भी। कौन कौन से वैरायटी रहते? गोल्टा, गोल्टी, इसके अंदर देखो 4 वैरायटी रहते हैं, गोल्टा, गोल्टी, मीडियम, मुक्कल और डॉलर माल रहता है। माल को मांग है ज़्यादा? ज़्यादा माल को जो है ना गोल्टा और गोल्टी को बहुत फास्ट है। क्या खासियत रहती है? वो माल को जो है ना ऊपर डिमांड है। क्या? आंध्र की साइड में डिमांड है, तमिलनाडु में डिमांड है, बॉर्डर को भी वही माल चलता है गोल्टा और गोल्टी। आने वाले दिनों में भाव बढ़ेंगे? आने वाले दिनों में भाव बढ़ेंगे इसके, और 200-500 रुपये भाव बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दादा, कांद्याला चांगला भाव मिळतोय काय? एक शेतकरी म्हणून प्रतिक्रिया आहे काय? कांद्याचा भाव तर सध्या चांगला आहे, त्याचा कांद्याच्या भावाचा ह्या समाधान शेतकरी झालेला आहे आता। पण कांद्याचा भावाला जास्त पाऊस नसल्यामुळं आता सध्या निमात्र कांदा खराब झाला, जुना कांदा, नवीन कांदा महाराष्ट्रात आला नाही पावसाच्या कारणामुळं। तर आता सध्या जुन्या कांद्याचा आहे तो रेट व्यवस्थित मस्त भेटतो शेतकऱ्याला, शेतकरी समाधानी होतोय। पाऊस आला नसल्यामुळं कांदा पिकाचं नुकसान झालं मोठ्या प्रमाणात? पाऊस नसल्यामुळं कांद्याचं तर नुकसान झालेलंच, रोपं ज्यांनी रोपं टाकलेली ती रोपं तर गेलीच त्यांची, पण नवीन कांदा आला येऊ शकला नाही पावसाच्या कारणामुळं। आणि जुना कांदा आहे तो त्यातला निम्मा जास्त दिवस झाल्यामुळे निम्मा कांदा गेलेला आहे, आणि जो आहे त्याला चांगला रेट भेटलेला आहे, त्यात समाधान आहे शेतकरी। कुठून आला? मी करमळ्यावरून आलोय। पाकिटं घेऊन आले? माझी पाकिट होती 57 पाकिट होती। मला 30 रुपये मार्केट भेटलंय। जहूर साहेब सोबत अकबर भगवान, लोकप्रधान, सोलापूर।